बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आई हूँ एक डेजर्ट जिसको हम बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से रेडी करेंगे, और ये अरब का एक मशहूर डेजर्ट है जिसका नाम है महलाबिया। तो फटाफट से कोई इसे रेडी करते हैं। एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 कप शामिल की है चीनी, 1/3 कप मैंने लिया है मिल्क, 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, और 1 किलो मैंने लिया है दूध जिसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे, और साथ में इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये तमाम लम्स जो हैं दूध के और कॉर्नफ्लावर के वो खत्म हो जाएं। तमाम दूध इसमें शामिल कर दिया था, अब इसको हमने पका लेना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए। फ्लेम को लो रखिएगा, हाई नहीं करना है वरना ये नीचे लग जाएगा। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है, ये तकरीबन रेडी है। अब इसको करेंगे ठंडा रूम टेम्परेचर पे। मिक्सचर हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया था, अब उसको सर्विंग प्यालियों में या बाउल्स में आप निकाल लीजिए। अब इसको करेंगे कवर ऊपर से ताकि इस पे बलाई की लेयर ना आए। इसी तरह दूसरी प्याली को भी हम सेट करके ऊपर से कवर कर देंगे। 1 घंटे के लिए इनको रखेंगे फ्रिज में जब तक इसकी लेयर सेट हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बॉल में मैंने 2 कप चीनी शामिल की है, साथ में इसमें 1.5 ग्लास पानी शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल कर रही हूं मैं एसेंस रू अफजा का। अगर आप रू अफजा लेना चाहें तो उससे भी आप इसे रेडी कर सकते हैं, इसमें आपको शुगर और पानी की इतनी नीड नहीं होती। चंद ड्रॉप्स एसेंस के शामिल करूंगी, साथ में शामिल करूंगी रेड कलर, फूड कलर ले लीजिए जेल में या पाउडर फॉर्म में, वो शामिल कर दिया है। इसको कर लेंगे मिक्स और इसको पकाएंगे थोड़ा सा जब तक चीनी हल हो जाए। 2 टेबल स्पून लिया है कॉर्नफ्लोर, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि इसके लम्स तमाम खत्म हो जाए। अब ये मिक्सचर डाल देंगे इस रेडी किए हुए घोल में और इसको पका लेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये देखिए तकरीबन 2 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको भी कर लेंगे ठंडा रूम टेम्परेचर पे। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है, प्यालियों को हमने फ्रिज से निकाल लिया था, ये बिल्कुल सेट हो गई है। ये देखिए ऊपर से कवर इसका रिमूव कर देंगे और इसको करेंगे डेकोरेट जो हमने सिरप रेडी किया था जेल वाला उससे। रूम टेम्परेचर पे देखिए इसको भी रखने के बाद ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी भी थिक हो चुकी है। कुछ देर इसको भी फ्रिज में रखेंगे इसके साथ दोबारा से और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा लाइक जेली फॉर्म में। नेक्स्ट इसको आप किसी भी ड्राई फ्रूट से या किसी चीज से आपको जो पसंद हो फ्रूट से आप इसे गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए इसे ठंडा करके। बहुत ही क्विक और कम इंग्रेडिएंट्स से रेडी होने वाला डेजर्ट है और टेस्टी भी बहुत है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ट्राई जरूर कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थोड़े से पिस्ते मैंने ऊपर रख दिए हैं गार्निश के लिए और उसके बाद अब इसको रखेंगे दोबारा से फ्रिज में और उसके बाद करेंगे एंजॉय ये मजेदार सा डेजर्ट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और एंजॉय कीजिए मजेदार सी रेसिपीज और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।